काजल आज भी मेरी दोस्त है, कल भी थी, परसों भी रहेंगी। वो मेरी दुश्मन नहीं है ना, मैं मानती हूँ। भोजपुर इंडस्ट्री में इस वक्त दो ऐसी ही चीजें हैं जिसके बारे में सारे हिंदुस्तान में हो रही है चर्चा, एक पवन और खेसारी के जबरदस्त होली सॉन्ग्स की, और दूसरा खेसारी और काजल राघवानी के बीच चल रही वॉर की। ये दो ही बातें हैं जिन पर खूब चर्चाएं हो रही हैं। बात करें अगर खेसारी और काजल की चल रही खट्टी मीठी वॉर की, तो इसमें अब एक नया मोड़ ही आता दिख रहा है, क्योंकि हाल ही में खेसारी ने अपनी प्यारी कोस्टा यानी काजल से रिश्तों पर कुछ ऐसे नए खुलासे किए हैं जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच सुलगी चिंगारी अब जल्द शांत हो जाएगी। लेकिन आखिर क्या खुलासा किया खेसारी ने काजल पर, आइए आपको भी बताते हैं। सुपरस्टार खेसारी ने एक न्यूज पोर्टल से बात करते हुए काजल के लिए कहा, काजल बेवफा हो ही नहीं सकती, वो बेहद अच्छी कलाकार है, काजल मेरी दोस्त है, कल भी रहेगी, और एक जगह रहने पर तो भाई भाई में भी लड़ाई हो जाती है, मैं तो उसके साथ काम करने वाला हूँ, अभी भी कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा, हम एक ही इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं। इसके बाद जब उनसे ये पूछा गया कि क्या उन्होंने कुछ वक्त पहले कहा था कि वो दोबारा कभी काजल संग काम नहीं करेंगे, तो क्या अब भी वो सच में ऐसा ही करेंगे? अब इस सवाल पर खेसारी ने क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। मुझे आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ मुझे देखने वाले दर्शकों का है, ना मुझे किसी और ने बनाया है ना बढ़ाया है, ईमानदारी से काम करें तो हमेशा सफल होंगे। रवि किशन, दिनेश लाल यादव, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को हटा दिया जाए तो भोजपुर इंडस्ट्री में काजल राघवानी नंबर वन पर नजर आएंगी। जब मनोज तिवारी, रवि किशन और पवन सिंह इंडस्ट्री में सबसे ऊपर हुआ करते थे, उस समय रानी चटर्जी टॉप हीरोइन हुआ करती थी। 5 मिनट के लिए एंटरटेनमेंट करके कोई भी लोगों को हंसा सकता है, लेकिन 2.5 घंटे हॉल में लोगों को अपनी एक्टिंग से बांध कर रखने का काम मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव ही कर सकते हैं। खेसारी और काजल की जोड़ी के चहेते फैंस, अगर आप इतना ही सुनकर खुशियां मना रहे हैं तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि आगे खेसारी ने काजल के लिए जो जो कहा है वो सुनकर तो आप झूम ही उठेंगे। आने वाली पीढ़ियों के लिए काजल राघवानी बेसाखी हैं। अगर उन्हें अपना सिनेमा हिट कराना है तो उन्हें काजल जी को साइन करना ही पड़ेगा, और ये अच्छी बात है। काजल मेरी दोस्त है, चीज़ें होती हैं, एक जगह पर रहने से लड़ाई हो जाती है, मैं उनके साथ काम करने वाला हूँ, अभी भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। अब तो आपने खुद ब खुद देख लिया है कि कैसे खेसारी ने काजल के लिए प्यार और दोस्ती का पैगाम एक बार नहीं बल्कि 3 बार अपनी बातों से दे दिया है। अब भला इन बातों के बाद तो पहाड़ का भी दिल पिघल जाए, फिर ये तो खेसारी की पक्की दोस्त काजल है, भला वो कैसे नहीं मानेंगी। आपको बता दें कि पवन और अक्षय सिंह के झगड़े के बाद इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा सुर्खियां काजल और खेसारी के झगड़े ने बटोरी हैं। कई सास ने इस मामले पर कमेंट भी किए हैं, वही कुछ ऐसे भी हैं जो अब तक चुप्पी साधे हैं। खैर, खेसारी की तरफ से काजल को भेजा उनका ये माफीनामा एक्ट्रेस कब स्वीकार करती है और कब वापस से इन दोनों की दोस्ती होती है, अब ये देखने का इंतजार इस जोड़ी के फैंस के साथ साथ हमें भी है। फिलहाल आप बताइए इनके रिश्ते में आए इस यू टर्न के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। पूर्वांचल और भोजपुरी जगत की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स और पल पल की खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पूर्वांचल लाइव को।